Hello, myself is Danish Azam and you are watching my YouTube channel Danish Let's Learn. Astoma Sadgamay Tamsoma Jyotirgamay Mrityo Mar Miritam Gamay Om Shanti Shanti Shanti. From ignorance, lead me to truth. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. Om Peace Peace Peace. Agyan se gyan ki taraf, andhkar se roshini ki taraf. और मौत से अविनाशता की ओर मेरे ईश्वर मेरे खुदा मुझे ले चल। दोस्तों, आप लोगों को ये श्लोक सुनकर काफ़ी अचंभा हुआ होगा और जहन में कई सवालात आए होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक शांति मंत्र है जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और इसका इस्तेमाल इंडियन स्कूल और सोशल इवेंट्स में होता है। मेरा मकसद इस श्लोक को सुनाने का ये है कि इसकी पहली लाइन यानी अस्तोमा सद्गमय, ये CBSE के लोगों में इस्तेमाल किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आज इस श्लोक को आप लोगों को क्यों मैंने सुनाया है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो वीडियो CBSE के ऊपर मैंने बनाया है, तो इसीलिए मैंने ये चाहा और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इसके लोगों और इसके लोगों में जो मंत्र जो लिखा गया है इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताता चलूँ। तो दोस्तों, हम अब आगे की तरफ चलते हैं। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना आज से तकरीबन 54 साल पहले 3 नवंबर 1962 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर प्रीत विहार नई दिल्ली में है और इसके मौजूदा और इनकम्बेंट चेयरमैन राकेश कुमार चतुर्वेदी हैं। ये एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका काम पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। दोस्तों, अब हम इसके इतिहास और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन बोर्ड जिसकी स्थापना हिंदुस्तान में हुई वो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड था, जिसे 1921 में कायम किया गया, जिसके ज्यूरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में राजपूताना यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ग्वालियर तक के क्षेत्र आते थे। फिर 1929 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ज्वाइंट बोर्ड बनाया जिसमें इन दोनों अलग अलग बोर्ड को मर्ज कर दिया गया और इसका नाम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड राजपूताना का नाम दिया गया। फिर 1952 में यही बोर्ड CBSE बोर्ड कहलाया। अब हम इसके संबद्धीकरण यानी एफिलिएशन के बारे में बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। CBSE तमाम केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय और इसी तरह प्राइवेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त अक्सर स्कूलों को एफिलिएट करता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मुनासिब मालूम होता है कि विराम लेते हुए केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते चलें। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 में की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 1094 स्कूल केंद्रीय विद्यालय के अंदर आते हैं और 3 स्कूल देश से बाहर भी हैं। शुरू में इसकी स्थापना इंडियन डिफेंस सर्विस में काम करने वाले एम्प्लॉई के बच्चों के लिए किया गया था, जिन्हें अपने पेरेंट्स के साथ अक्सर देश के दूर दराज जगहों पर रहना पड़ता था जहां स्कूलों की बहुत कमी होती थी। लेकिन बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल के आइडियाज़ के आने के बाद ये स्कूल तमाम तरह के बच्चों के लिए खोल दिए गए। अब हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में फटाफट जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल ख़ास तौर पर गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी ठेठ में अगर मैं कहूँ तो तेज़ बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। इसका काम ही यही है कि हिंदुस्तान के रूरल और देहाती इलाकों से अच्छे बच्चों को तलाश करना और फिर उन्हें देश के दूसरे अच्छे स्कूलों की बराबरी का स्टैंडर्ड देना है, ताकि ये बच्चे, गरीब बच्चे अमीरों के बच्चों से किसी भी तरह पीछे न रह सकें। क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई इस स्कूल में होती है और ये अक्सर रेजिडेंशियल होते हैं। इस स्कूल का कॉन्सेप्ट, जो खुद इसके नाम से पता चलता है, इसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय से पता चलता है कि ये जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। ये स्कूल इंडिया के तमाम स्टेट्स में पाए जाते हैं सिवाय तमिलनाडु के। अब आपको कमेंट में ये लिखना है कि वहाँ ये स्कूल क्यों नहीं पाए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 589 यानी 589 स्कूल हैं जो चल रहे हैं और 660 स्कूल हैं जो सैंक्शन हैं। अब हम
बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन और परीक्षा के बारे में कि ये एग्जामिनेशन और परीक्षा किस तरह कंडक्ट करवाती है। सीबीएसई क्लास 9, 10 और 12 का एग्ज़ाम हर साल मार्च के महीने में करवाती है और उसका रिजल्ट आमतौर पर मई में आ जाता है, जैसा कि हमें और आपको खूब मालूम है। इसी के साथ इंजीनियरिंग का मशहूर एग्ज़ाम JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मेडिकल की फेमस परीक्षा AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी करवाती है। इसी तरह 2014 से NET नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी करवाती है और इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आज की तारीख में हो चुकी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपने सुना और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर कोई और वीडियो भी आप पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखें। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन टू इम्प्रूव माय चैनल एंड एनी कंप्लेन रिगार्डिंग टू इट, सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी विद योर मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट्स एंड वर्ड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।